नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं, इस पर आज ईडी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की ओर से स्पेशल कोर्ट में आवेदन देकर अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से उनके वकील ने आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें होने वाले निर्णय उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। ऐसे में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कार्यवाही में उनका भाग लेना आवश्यक है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के बाद 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद से ईडी ने 13 दिनों तक रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की। इसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। उन्हें फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची में रखा गया है। बता दें, इससे पहले वे झारखंड विधानसभा के स्पेशल सेशन में हिस्सा ले चुके हैं। 5 फरवरी से हुए विशेष सत्र में शामिल होने की अनुमति कोर्ट ने दी थी। अब दूसरी बार है जब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पीएमएलए कोर्ट में आवेदन देकर विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।